हेलो भाई, आज हम लेकर के आए हैं बीबीडी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बीबीडी जो गेस्ट पेपर है, बीबीडी का जो गेस्ट पेपर है, ये बहुत से बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट पेपर है। इनमें से अधिकतर क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में ही पूछा जाता है इनसे। तो इनमें जितने भी दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आज उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके प्रत्येक विद्यार्थी तक मैं पहुंचाने का कोशिश करूंगा। उसके बाद क्या है, इनमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, तो कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि सॉल्व नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि सॉल्व जानते हैं, थोड़ा बहुत किए, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव आए क्वेश्चन थोड़ा उठपुटांग टाइप का नहीं बना तो छोड़ दिए। और शायद वही एग्जाम अगर पूछ दिए गए क्वेश्चन है तो उसे गलत तरीके से उसको रंग करके उसके बाद छोड़ देते हैं, जिसके कारण से मार्क में कमी आ जाती है। तो आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बीबीडी का पहला चैप्टर क्या है और बुक का भी वही चैप्टर है। तो बीबीडी में जितने भी एक्सरसाइज है ना, तो आज जितने भी क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी बुक से ही लिए गए हैं। तो इनसे एक बहुत ही क्वेश्चन परीक्षा में मिलता जुलता आता है। तो पहला चैप्टर इसमें है मेरा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर मेरा क्या है, वास्तविक संख्या। इनमें से पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, पूरी तरह से इसको अच्छी तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे, और एक वीडियो यानी एक एपिसोड में मात्र 10 ही क्वेश्चन होंगे, या तो उसे छोटा भी कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन दे सकते हैं। लेकिन 5 क्वेश्चन क्या, जब पढ़ने बैठोगे तो 10 20 25 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन एक बार में अगर सॉल्व नहीं करोगे तो अच्छी बात नहीं है। तो ठीक है, जितना भी अच्छा मेरे को लगेगा कि इतना ही क्वेश्चन हमको देना है उतने ही देंगे, और एपिसोड देते जाएंगे, एपिसोड 1 2 करके देते जाएंगे, ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा सहूलियत हो खोजने में, पता कर देगा कि हाँ इसी एपिसोड में यही है, डायरेक्ट उसको मिल जाएगा, समय की बर्बादी नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, √3 है, √3 है एक मिनट, इसमें क्या है, √3 है एक। तो पहला क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा, √3 है एक। तो पहला नंबर मेरा क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरा मेरा क्या है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। तीसरा मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और चौथा मेरा क्या है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या है इसका आंसर, क्या आ जाएगा, √3 है। अब इसको जानेंगे, कोई भी संख्या के ऊपर अगर रूट लगा रहे और वो संख्या का वर्गमूल अगर नहीं निकलता है, तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या लगेगा, 3, परिमेय संख्या। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, 2, 10 और 20 के लोस और मोस का अनुपात क्या होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन में 2, 10 और 20, 2, 10 और 20 के लोस और मोस के अनुपात क्या होगा। तो इनमें ऑप्शन दिया गया है, मेरा पहला नंबर ऑप्शन दिया गया है 1:10, दूसरा ऑप्शन दिया गया 10:1, तीसरा में दिया गया है मेरा 4:3, और चौथा में दिया गया है मेरा 11:1। तो इनका एलसीएम क्या होगा, 2, 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा, निकालना तो जरूरी नहीं पड़ेगा सब, क्योंकि सब तो जानते हैं, और नहीं तो एक समझ ले। देखना कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, 20 है, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 20 है। और तीनों संख्या कितना, 2, 10 और 20 दिया हुआ, तीनों संख्या सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 20 है। आप देखना कि तीनों जो संख्या है बड़ी संख्या में भाग लग जाते, विभाजित हो जाते पूरा का पूरा,
अगर पूरा का पूरा अगर डिवाइड हो जाते हैं तो सबसे बड़ी संख्या ही क्या होगा, मेरा लॉस होगा। अगर दो से भी अगर हम भाग देते हैं तो 10 बार में पूरा फिर कट जाता है, 10 से भी भाग देते हैं 10 बार फिर 2 बार में कट जाता है, अगर 20 से भी देते हैं तो 1 बार में पूरा फिर कट जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा मेरा 20, ये मेरा क्या जाएगा एलसीएम, मेरा क्या जाएगा 20 हो जाएगा, एलसीएम मेरा क्या जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। और इसका एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ 2 × 1 = 2 लिख सकते हैं, 2 × 1 = 2, और 10 का हम लिख सकते हैं 2 × 5 = 10, और 20 का लिख सकते हैं 2 × 2 = 2 × 2 × 5 = 20। आप देखना कि एचसीएफ का मतलब है जितने भी संख्या दिया गया हो और उन संख्या में तीनों संख्या में कौन सी संख्या आती है, तो तीनों संख्या में मेरा 2 आती है, यानी 2 इसका हो गया एचसीएफ, यानी एचसीएफ मेरा कितना आ गया 2। अगर इसका अनुपात, इसका अनुपात कर दो, कर गया कितना आएगा 10:1, यानी 10:1, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। तीसरा नंबर में क्या कहता है, अगर हम पड़ापड़ बनाएंगे तो वीडियो छोटा हो जाता है। कितना नंबर क्वेश्चन होगा, तीसरा नंबर कहता कि 2 लगातार संख्याओं का मौसम, यानी 2 लगातार संख्याओं का मौसम, यानी एलसीएम, यानी 2 लगातार संख्या 1 और 2, इसको अगर गुना करके लिखते हैं 1 × 1 = 1, 2 × 1 = 2, दोनों में क्या मिल गया 1, इसलिए मेरा एच सी एफ यानी मोसो कितना देगा मेरा 1। पहला नंबर ऑप्शन होगा, नहीं दूसरा नंबर ऑप्शन होगा, पहला नंबर में क्या मेरा 0, दूसरा नंबर 1, तीसरा नंबर में क्या मेरा 2 और चौथा नंबर में 4, तो ये मेरा दूसरा नंबर ऑप्शन होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला नंबर मेरा क्वेश्चन हो जाएगा कितना, चौथा नंबर। तो चौथा नंबर में मेरा क्या कहता है, 6, 8 और 22 का एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है मेरा 2, नहीं ऑप्शन नंबर 1 मेरा में क्या है 132:1, दूसरा नंबर में ऑप्शन मेरा क्या है 2:22, तीसरा नंबर में ऑप्शन मेरा क्या है, तीसरा नंबर में ऑप्शन हो जाएगा 8:6, और चौथा नंबर में ऑप्शन मेरा हो जाएगा क्या 12:3। तो क्या है 6, 8, 22 का एलसीएम निकाला, 6, 8, 22 का एलसीएम निकाल देंगे 2, 3, 4, 11, यानी 44 गुना 2 करेंगे 44 गुना 2 करते हैं तो क्या जाता है 88 गुना अगर 3 करते हैं तो कितना मेरा आ जाएगा 264, हाँ यही हो जाएगा 264 हो जाएगा मेरा। तो एलसीएम मेरा आ जाएगा कितना 264, और एचसीएफ अगर हम निकालते हैं तो 6 × 2 = 2 × 3 × 2 × 2 यानी 6 ये हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 8 × 2 = 11 यानी 22, यानी तीनों संख्या में मेरा 2 आता है। तो एच सी एफ बराबर मेरा कितना जाएगा 2, अगर 2 अगर इसका बटे करते हैं एलसीएम बटे एचसीएफ करते हैं तो कट जाएगा, कितना बचेगा इसमें 132:1 यानी 132:1, 132:1 कितना जाएगा 1, यानी पहला नंबर ऑप्शन मेरा आ जाएगा, ठीक है। चौथा, इसमें से 5 ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, पांचवा नंबर क्या कहते हैं, पांचवा नंबर मेरा आता है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या खोज रहा है, तो देख लेते हैं 15, 23, तीसरा नंबर में क्या कहते हैं 12, और चौथा नंबर में क्या कहते हैं 75। अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, किसी भी संख्या से भाग ना लगे, किसी भी संख्या से उसमें पूरा पूरी भाग ना लगे, 15 में भाग लग जाता 3, 5 से, 23 में भाग नहीं लगता है, 12 में लग जाता 3, 4, 2, 6, इसमें 5, 15, 3 ये भाग लग जाते हैं, जिसके कारण 23 में किसी संख्या से भाग
नहीं लगता है, जिसका कारण से मेरा क्या जाएगा ऑप्शन दो नंबर सही करता है इस करेक्ट आंसर। आज पांच ही वीडियो इस वीडियो में डालते हैं, पांच ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जस्ट इसका दूसरा एपिसोड हम तुरंत भेज देंगे।